गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु नारायण 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 नारायण। आज 20 मार्च है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज जी के प्रवचनों में से बल्कि भागवत पाक्षिक में से वह अंश लिया गया है जहाँ पर सप्तम स्कंध में युधिष्ठिर देवर्षि नारद जी को प्रश्न कर रहे हैं। बहुत से प्रश्न किए हैं तो एक प्रश्न उनका ये भी था कि आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे हम लोगों को यानी गृहस्थ लोगों को घर में रहने वाले लोगों को आत्माओं की मस्ती प्राप्त हो सके। नारद जी ने क्योंकि पहले तो ये पूछा कि ये संभव है कि नहीं, जब उन्होंने कहा कि हाँ ये संभव है तब ये उन्होंने प्रश्न किया कि अगर ये संभव है तो फिर आप बताइए कि इसको इसके लिए युक्ति क्या है, यानी हम क्या करें जिससे कि वो संभव। नारद जी ने कई श्लोकों में इसका युक्ति क्या है, एक युक्ति नहीं है, बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी, तो उसी का सार सार आज के पृष्ठ में है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ आश्रम में चौधरी जी आए हुए थे तो सुबह आते थे हमारे पास, तो उस समय हमको ये नहीं पता था कि 20 मार्च को ये पृष्ठ लिया गया है। 365 पृष्ठ है, सब तो याद नहीं है, मुख्य मुख्य पृष्ठ 25-30 याद हैं, तो उनका भी इसी से मिलता जुलता प्रश्न था। तो हमने उनको बताया था कि भागवत में इस प्रश्न का उत्तर है। कल रात को हम देख रहे थे कि एक दिन पहले देख लेते हैं कि अगले दिन का पृष्ठ क्या है, तो ये जो महात्माओं की मस्ती है क्या कहते हैं, घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय आज के पृष्ठ का शीर्षक है। यहाँ एक बात पर महर्षि सावधान करेंगे क्योंकि युधिष्ठिर जी का जीवन जो है उसके बारे में कहेंगे कि वो भगवद अर्पित है, तो हर व्यक्ति जिसका जीवन पामरों के जैसे हो यानी निषिद्ध कर्म करता हो वो ये पूछे कि भाई ये तो धर्म के अवतार हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति जो कि सब प्रकार के गलत सलत कार्य कर रहा है और वो पूछे कि हमको महात्माओं की मस्ती कैसे प्राप्त हो, उसके लिए ये प्रश्न नहीं है, महर्षि सावधान करेंगे। तो घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय यानी जो लोग साधन भजन करते हैं जिनका जीवन शुद्ध है धार्मिक है आस्तिक है जो भक्त है, तो
युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि महाराज, असल में सुखी तो ये अवधूत लोग ही हैं। वहाँ प्रसंग आया है कि अंतिम पांच अध्यायों में, सप्तम स्कंद में, वर्णाश्रम धर्म का नारद जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश किया है। तो वर्णाश्रम धर्म में संन्यास धर्म को लेकर वहाँ प्रैक्टिकल रूप में नारद जी वर्णन करते हैं युधिष्ठिर को कि यदु यानी तुम्हारे जो पूर्वज थे, वो एक बार जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि दत्तात्रेय अवधूत बिल्कुल जंगल में लेटे हुए हैं माटी में और बड़ी मस्ती में। यदु जी तो राजा थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी मस्ती में जिसके पास कुछ नहीं है। तो यदु और दत्तात्रेय अवधूत का जो संवाद हुआ, आगे चल के एकादश स्कंद में दत्तात्रेय अवधूत ने 24 गुरुओं का वर्णन किया है, पर यहाँ संक्षेप में जो संवाद हुआ उनकी मस्ती को लेकर, दत्तात्रेय अवधूत ने क्या कहा, उसी का आधार बना के नारद जी ने संन्यास आश्रम को दिखाया है। बड़ी अद्भुत शैली है वहाँ। तो उन बातों को सुन के युधिष्ठिर कहते हैं कि असल में सुखी तो ये अवधूत लोग ही हैं, हम सम्राट हो गए तो क्या हुआ, इसलिए आप ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे हम लोगों को भी यही मस्ती यह आनंद मिले। नारद जी ने कहा, अच्छा मैं तुमको ऐसी बात बताता हूँ कि आदमी रहे तो घर में ही, लेकिन उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर ये जो संवाद हुआ इसको विराम देके महर्षि अपनी ओर से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वैसे यह विचार बहुत बढ़िया है, घर में परमात्मा मिल भी सकता है का अर्थ है कि ये कठिन है, क्योंकि घर में जो घर के वातावरण बन रहे हैं, तो जो व्यक्ति है घर का, चाहे दादा है या पिता है, तो वो जो घटनाएं घटित हो रही हैं घर में, तो घर में रहते हुए वो सब देख रहा है, उन घटनाओं का प्रभाव उसके हृदय पे पड़ता है, क्योंकि उसका राग है, उसकी आसक्ति है, उसका मोह है। तो इसलिए कह रहे हैं कि घर में परमात्मा मिल भी सकता है, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे ये विचार तो बहुत बढ़िया है, घर में परमात्मा मिल भी सकता है, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि ऐसी बात है तो परमात्मा बेवकूफ नहीं है। युधिष्ठिर जहाँ भगवान को घर में ही पाना चाहते हैं, वहाँ उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। अर्थात इस पृष्ठ में प्रवेश करने के पूर्व, यानी पाक्षिक कथा हो रही है, वाराणसी में बहुत सारे गृहस्थ लोग हैं जो श्रवण कर रहे हैं, तो उनको सावधान कर रहे हैं कि ये जो
आगे नारद जी वर्णन करने जा रहे हैं उसके लिए शर्त क्या है कि जिस जिस को हम समझें कि भाई ये भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, उसके प्रति फिर हमारा राग नहीं रहना चाहिए। दत्ताउद्धव जी ने बताया कि दो तरीके हैं, एक तो है कि भरते जाओ और एक है कि निकालते जाओ। ये ज्ञान मार्ग जो है इसमें निकालने का है, निषेध का है, नेति नेति। और ये जो नामस्मरण है, तो नामस्मरण वाली जो प्रक्रिया है भगवत प्राप्ति की, उसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। तो जब भरेंगे तो वो जो चीज़ अनावश्यक है वो अपने आप, उसको स्थान बनाना पड़ेगा, तो स्थान बनाना पड़ेगा तो अनावश्यक बातें अपने आप निकलेंगे, निकलती जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि ये सरल है, नामस्मरण का जो ये जो साधन है वो सरल है, और नेति नेति वाला कठिन है। तो यहाँ इस पैराग्राफ में जो हम पढ़ चुके हैं, महर्षि बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर परमात्मा जो है उसके मिलने की आशा छोड़ देनी चाहिए। अब चूंकि युधिष्ठिर का जीवन तो भगवान को समर्पित है, तो यहाँ पर नारद जी को कुछ ज़्यादा उस विषय में नहीं कहना है, क्योंकि वो धर्मात्मा है। अधर्म की बातें तो उनके जीवन में पहले से ही नहीं है। अब रही भक्ति की बात, तो भक्ति चूंकि ठाकुर जी के प्रति है उनकी, पर राजा है तो राजकार्य में व्यक्ति को सब प्रकार के काम करने पड़ते हैं, दंड भी देना पड़ता है ना। इसीलिए रघुगण को जड़ भरत ने डांट लगाई, क्योंकि बेगार का काम ले रहा था, पालकी में जोत रहा था लोगों को, है ना, और उसमें कुछ देता नहीं था। तो बताया कि ये जो राजा लोग होते हैं उनका जो ये जो स्वभाव बन जाता है वो गलत है। और वो किस प्रकार उसको प्रभावित किया रघुगण को, राजा भरत का नाम सुना है तुमने? राजा भरत तो इतने प्रसिद्ध थे महाराज। बोले ये तुम मुझको देख रहे हो? बोले हाँ, मैं ही राजा भरत था। तो राजा भरत ही हरिण बने और वो ही बाद में जड़ भरत बने। आश्चर्यचकित हो गया रघुगण कि राजा भरत जो है वो देखिए कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो कहने का मतलब, परमात्मा की प्राप्ति रघुगण तुमको भी हो सकती है, पर ऐसे नहीं जिस प्रकार से तुम बेगार ले रहे हो। जा तो रहे हो कपिल से, है ना, कपिल महर्षि के पास जा रहे थे सत्संग करने पालकी में। रघुगण ने बताया कि ये तरीका नहीं है, डांट लगाई। पर यहाँ युधिष्ठिर जी के जीवन में महर्षि कहना चाह रहे हैं कि इनका जीवन भगवान को समर्पित है, इसलिए नारद जी उनको लक्ष्य बनाकर ये कह रहे हैं। यानी हमको भी अगर व्यक्ति गृहस्थ है तो उस गृहस्थ व्यक्ति को भी ये बातें, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस जिस को वो परमात्मा नहीं मानता है, नहीं समझता है, उसको छोड़ने की तैयारी होनी चाहिए। अब देखिए क्या करना है उसको बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, बहुत सारी बातें बताएंगे। घर में भगवत प्राप्ति चाहने वाला अपने सारे कर्तव्य कर्म करे, परंतु भगवान को अर्पण करके। पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ना है। एक शिवाजी करके हमको मिले थे जब हम महाराष्ट्र में थे अज्ञातवास में, तो सन्यासी का जो है वेश देख के जाते थे आरती में, लौट रहे थे तो अपना
प्रणाम किया, परिचय दिया, पूछा कि हम आपके पास थोड़ा प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके पास आ सकते हैं क्या? हमने कहा ठीक है, आ जाओ। तो बैठे, बोले महाराज हमको 5 बच्चे हैं और पत्नी है, पत्नी अनुकूल नहीं है। तो पत्नी अनुकूल नहीं है तो बच्चे भी सब पत्नी के साथ ही हैं, उन्हीं का पक्ष लेते हैं। हम तो इसी परंपरा जो हमारे दत्ता उद्धव जी हैं तो उनका, उनके गुरु महाराज का गोंदावले ग्राम में समाधि मंदिर है, वहाँ हमें 3 महीने रहा था। तो हम तो ब्रह्म चैतन्य महाराज को मानते हैं और उन्हीं के प्रति समर्पित हैं। तो हम तो अब चाहते हैं कि सब कुछ छोड़ के भजन करें, क्योंकि सन्यासी देखा तो सोचा कि भाई इन्हीं को पूछें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ठीक है, वैराग्य जो भी कारण है वैराग्य का, बैठे थे उतने में उसी परंपरा के हमारे अच्छे मित्र वो हमसे मिलने आए। हमने उनको आदर से बैठाया और हमने कहा कि भाई ये शिवाजी, उनका नाम शिवाजी था जो प्रश्न कर रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि रत्नन आप जी, हमारे मित्र को हमने कहा, जैसे दत्ता अवधू जी ने करोड़ों का जप किया है, वैसे रत्नन आप जी भी ओहो नाम स्मरण में गजब उनका। तो हमारा परिचय हो गया था, वो वहीं रहते थे, वहीं अपनी साधना करते थे। तो रत्न नाभ जी ने शिवाजी की बात सुनी और बोले कि देखो शिवाजी, व्यक्ति को लगता है कि ये 5-5 बच्चे, पत्नी और सब परिवार संबंधी, इनको तो प्रसन्न करना असंभव है, और भगवान जो है वो तो एक है, ये तो इतने हैं, तो भगवान को प्रसन्न करना सरल है। बहुत अच्छी बात उन्होंने सुनाई, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सुनो, जब तक अपना ये जो गृहस्थ धर्म है उसको तुम ठीक ठीक उसका निर्वाह नहीं कर सकते, तब तक तुम भगवान को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान प्रसन्न होगा ही तब जब पहले अपने गृहस्थ धर्म को ठीक ठीक उसका निर्वाह करोगे। महर्षि हमारे देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं, युधिष्ठिर घर में भगवत प्राप्ति चाहने वाला अपने सारे कर्तव्य कर्म करे, परंतु भगवान को अर्पण करके। ये तो परीक्षा ली जा रही है कि तुम इस मार्ग में आगे चलने लायक हो कि नहीं। अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं और तुम सोच रहे हो कि हम सब छोड़ के है ना बाबा जी बन जाए। अच्छा तो फिर कैसे करें महाराज, ये तो बड़ा कठिन है। बोले कर्तव्य कर्म करें भगवान को अर्पण करके, एक बात। दूसरी बात, सत्संग कभी न छोड़ें। हाँ इतनी बात जरूर है कि सत्संग करते रहें। अब वो सत्संग चूँकि हमको पकड़ा, उसने हमको पकड़ा तो हमारे कमरे में आया, तो मिली ना उसको अच्छी सलाह मिली। वो जो सोच रहा था कि हम सब कुछ छोड़ के बाबा जी बन जाएं, अपने आप इतनी बढ़िया सीख दी। एक को प्रसन्न करना व्यक्ति को लगता है कि आसान है, बहुत लोगों को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। पर क्या बताया कि भगवान स्वयं ही सब रूपों में है, इसलिए ऐसा नहीं समझना कि भाई ये बढ़िया मार्ग है, ये बढ़िया मार्ग नहीं, ये कठिन मार्ग है। इसीलिए शुरू में ही महर्षि ने कह दिया कि वहाँ उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। कल पूरी शंकराचार्य जी सुना रहे थे, कितना धैर्य युधिष्ठिर जी में, कितना धैर्य, बार 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 बार। ये अभी भी हम महाभारत में वन पर्व में देख रहे हैं, भीम है, अर्जुन तो खैर अभी स्वर्ग चले गए हैं, द्रौपदी है, इतना उनको कहते हैं कि क्या तुम कर रहे हो, अरे भाई हमारे पे इतना अन्याय हो रहा है,
युद्ध करके और ये सब वन में ये सब इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत है हमको। वो लोग अन्याय से हमारी संपत्ति को लेके बैठे हैं, पर युधिष्ठिर ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, सबको समझाते रहे प्रेम से। तो वहाँ उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। किनका? युधिष्ठिर जी का। तो सबसे पहली बात कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है, परंतु भगवान को अर्पण करके। तो ये तो युधिष्ठिर जी के जीवन में है ही है। अब दूसरी बात क्या है? सत्संग कभी न छोड़े। तो सत्संग से ही हमको ऐसे सूत्र मिलेंगे, ऐसी बातें मिलेंगी जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तीसरी बात, भगवान की लीला कथा का इस श्रद्धा के साथ श्रवण करें कि यह अमृत है। सत्संग तो कर रहे हैं पर वो भी यांत्रिक हो गया, जाके इतने बजे सत्संग होता है, जाके बैठ गए, अपना आधा सो रहे हैं, आधा मन और किधर है अपना आ गए, ये सत्संग नहीं है। देखिए अगले वाक्य में क्या कह रहे हैं, भगवान की लीला कथा का इस श्रद्धा के साथ श्रवण करें कि यह अमृत है। सत्संग द्वारा संसार की आसक्ति को छोड़ दें। तो इस प्रकार ये जो दो बातें बताई है सत्संग के बारे में, एक तो ये अमृत तुल्य है, यानी यही अमृत है। तो मैंने कहा हरि कथा कथा और सब वृथा व्यथा, यही अमृत है। और दूसरी बात क्या? सत्संग द्वारा संसार की आसक्ति को छोड़ दें। तो जब सत का संग करेंगे, जब ईश्वर हमारे जीवन में आ गया, जब संत महात्मा सद्गुरुदेव हमारे जीवन में आ गए, तो अब क्या हुआ कि वो जो संसार की आसक्ति है वो धीरे धीरे छूट जाएगी। अब बोले कि भाई अब हम तो विरक्त हो गए क्योंकि अब आसक्ति रही नहीं। अगले वाक्य में सावधान कर रहे हैं, ये क्या है? भीतर से विरक्त रहने पर भी बाहर से अनुरक्त ही रहे। अभी गृहस्थ में है ना, अभी बहुत सारे कर्तव्य कर्म हैं, तो बाहर से यही दिखाना है कि भाई हम सब कुछ बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे ही कर रहे हैं, और अंदर से कोई लाग लगाव नहीं है। भीतर से विरक्त रहने पर भी, यानी व्यक्ति को स्पष्ट पता लगने लगता है कि अब हमारी कोई इसमें आसक्ति नहीं है, तो अब उसको दिखावे नहीं कि हमारी भाई कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए कह रहे हैं नारद जी कि बाहर से अनुरक्त ही रहे। दिखाना क्या है कि बाहर से तो ओहो इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, माँ के बारे में आया है, ब्रह्ममयी माँ हम लोगों ने पढ़ा, तो माता जी गीता प्रेस बीच बीच में चली जाती थी, जहाँ महर्षि ने 6 साल से ज़्यादा निष्काम भाव से वहाँ सेवा दी, अपनी सेवाएं दी। तो माता जी वहाँ देखती थी किस प्रकार से वो भाई जी की पत्नी है ना, उनको शंतनु बिहारी द्विवेदी को प्रेम करते हैं, शंतनु बिहारी द्विवेदी जी का भी कितना प्रेम है उनके प्रति, भले वहाँ घर छोड़ के तो यहाँ अपना कर रहे थे निष्काम सेवा, और भाई जी भी घर के जितने भी कार्य हैं, कमला की शादी थी बेटी की, उसमें और भी सब कार्यों में, वहाँ स्कूल खुलवा महाराषि के वो जो जन्म स्थान था तो घर में ही संस्कृत की स्कूल खुलवा दी, वहाँ बच्चे आते थे पढ़ने, अध्यापक रखवा दिया। तो ये सब गीता प्रेस वाले करते थे, पर यहाँ जब माता जी देखती थी कि इतना प्रेम है आपस में, तो उनको पक्का हो गया, क्योंकि बीच बीच में जो ये बात उनको लगी कि ये साधु हो जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे, तो उनको थोड़ी चिंता थी। अब इधर का वातावरण देख के वहाँ पंक्ति आई है कि ब्रह्ममयी माँ को बाद में वो सन्यासी बन गई, तो माता जी को लगा कि अब कोई चिंता की बात नहीं, पर वो तो अंदर से विरक्ति थी, बाहर से भले, और ऊपर से उड़िया बाबा, तो उड़िया बाबा का एक पृष्ठ आया है
उड़िया बाबा जी के पास बीच बीच में आते थे महाराज श्री। करीब करीब 10 साल का सानिध्य महाराज श्री को मिला, तो उसमें 42 में संन्यास ले लिया, 49 में उड़िया बाबा जी महाराज का लीला स्मरण हो गया। तो 7 साल 42 के बाद और इसके पूर्व 3 साल महाराज जी का सानिध्य रहा। पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में जब आते थे बाबा के पास गीता प्रेस से, तो एक बार बाबा ने पूछा कि वहाँ कैसे क्या शंतनु, वहाँ का वातावरण कैसे क्या है। बड़े विस्तार में महाराज जी ने बताया कैसे भाई जी प्रेम करते हैं, कितना सेठ जी का प्रेम है आदि आदि। तो बाबा तो जानते थे कि इनको आगे क्या बनना है, महापुरुषों को तो सब पता लग जाता है। तो बोले कि शंतनु एक कथा सुनो। तो इस आनंद रस रत्नाकर में आप लोगों ने सुन रखी है, मुर्दा और कब्र, तो कब्र सच्ची की मुर्दा। तो उस कथा के द्वारा ये नहीं बताया कि ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूँ, बस एक कथा सुनो। और महाराज की प्रज्ञा इतनी विलक्षण थी कि वो समझ गए कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। उस कथा में आया है कि कब्र सच्ची निकली, मुर्दा झूठा निकला। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से ये न दिखावे कि बाहर से हम विरक्त हैं, बाहर से तो अनुरक्त ही रहे, भीतर से विरक्त रहने अब इसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और माँ को पता ही नहीं लगा, और वही बेटा संन्यास लेके आ गया, दंड ले लिया। जितना प्रयोजन हो उतना ही स्वीकार करें। यहाँ संक्षेप में ले रहे हैं, वहाँ श्लोक में भी, श्लोक तो सूत्रात्मक होते हैं पर व्याख्या महर्षि ने वहाँ विस्तार में की है। तो एक पृष्ठ आया है यहाँ, इसमें क्या हर्ज है, गीता के गुटका का जो विस्तार हो गया वो कैसे हो गया, इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या हर्ज है। तो जितना प्रयोजन हो उतना ही स्वीकार करें। अच्छा, अब अगले वाक्य में नारद जी बता रहे हैं, काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य में क्या है, काल का प्रवाह चल रहा है। एक आते थे किशन करके, उनका शरीर पूरा हो गया, उनके पुत्र स्पेन में रहते हैं नंद किशोर, वो सुबह के उसमें आते थे। तो अब तो स्पेन वापस जाने वाले हैं, तो 90 साल से ज़्यादा की उम्र थी माता जी की, पर इतने मातृभक्त थे, इतने मातृभक्त थे इसलिए कह रहा हूँ कि अब उनका भी शरीर पूरा हो गया, किशन का भी। तो उनकी जो माँ के प्रति सेवा है, जैसे श्रवण का इतिहास में दृष्टांत है माता पिता की सेवा का, ऐसी सेवा। अब वो माँ भी जो है एक क्षण भी उसको बेटे को छोड़ना न चाहे। तो काल के प्रवाह में माँ का शरीर पूरा हो गया, वो चाहते तो थे कि हम सत्संग करें, पर चूँकि माँ नहीं छोड़ना चाहती थी, और वो भी उनको भी ये अभिष्ट नहीं था कि माँ को छोड़ के हम सेवा छोड़ के सत्संग में जावें। बाद में उनको बहुत बहुत चांस मिला, शर्मा जी को पता है, उपनिषद में आते थे। तो कहने का अर्थ यह है, फिर बाद में खुद का ही शरीर पूरा हो गया। तो ये जो काल का प्रवाह है, इसमें पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं। किसी को काटने की किसी, क्योंकि प्रश्न यह है ना कि गृहस्थ में रहते हुए, तो गृहस्थ में रहते हुए तो यही समस्या आवेगी कि भाई ये हमको बहुत कष्ट दे रहा है ना, इसके कारण हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं, धैर्य रखना, उसी के लिए कह रहे हैं, काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं।
या तो खुद पहले जाएगा या फिर जो संबंध है वो पहले जाएंगे, किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। अपनी ओर से अब ये जो आगे का पैराग्राफ है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न किया है युधिष्ठिर जी ने, तो इसमें सबसे मुख्य श्लोक यही है जिसका भाव महर्षि अब दे रहे हैं। अपनी ओर से कोई जिद्द नहीं करनी चाहिए। घर में बेटा बहू एवं अन्यों से आसक्ति न रखें, वे जैसा कहें वैसा कर दें, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई वासना है नहीं, इसलिए जैसा घर वाले कहें वही सही। सबसे कठिन यही है जो दस्तानदाजी करते हैं। अब आजकल तो भले दूर भी है व्यक्ति तब भी फ़ोन से करता है दस्तानदाजी। अरे भाई बेटी चली गई अपने ससुराल। हमारे सनातन धर्म में ऐसा आया है कि एक बार कन्यादान कर दिया अब उससे कोई मतलब नहीं, कैसे रह रही है, उनके सास ससुर कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब तो एक एक बात वो बेटी अपनी माँ को बता रही है। प्रत्येक घर टूट रहा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा क्या कर्तव्य है। अब हमारा कर्तव्य नहीं है, कन्यादान कर दिया उतना ही कर्तव्य था, उसके बाद ये सब जो है टेलीफोन में सब बातें बताई जा रही है, उससे फिर उनको घर सास ससुर को कहा जा रहा है कि भाई आप ऐसे मत करो, ये क्या है। यानी दखलंदाजी की हद है, उसके लिए आज का प्रश्न नहीं है, ऐसे लोगों के लिए। ये किसके लिए है देखिए क्या कह रहे हैं। अपनी ओर से कोई जिद्द नहीं करनी चाहिए। यहाँ तो घर के बेटा बहू और अन्यों से आसक्ति न रखे इसकी बात कही जा रही है, वहाँ तो पराए घर के यानी जिसमें कन्या को दान कर दिया है वहाँ से आसक्ति बनी हुई है। घर में बेटा बहू एवं अन्यों से आसक्ति न रखे, वे जैसा कहें वैसा कर दें, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई वासना है नहीं। ये क्यों कह रहे महर्षि, प्रश्न उसने किया ना कि हमको घर में रहते हुए महात्माओं की मस्ती चाहिए, तो इसका अर्थ है कि जरूर उसमें वासना नहीं है, तभी तो ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो जब चूंकि अपनी वासना नहीं है तो जैसा घर वाले कहें वैसे सही है ना, वो उसमें आनंदित हो रहे हैं, धर्म के कोई विरुद्ध बात नहीं है, तो कोई दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। धर्म के विरुद्ध है तो समझा दे प्रेम से कि भाई ऐसे करने से है ना आप लोगों का नुकसान होगा। बाकी प्रत्येक चीज में टोका टोकी नुक्ताचीनी वो ठीक नहीं। अच्छा एक बहुत क्रांतिकारी श्लोक इसी में आया है, ये अगले पैराग्राफ में महर्षि कहा करते थे, मनुष्य का संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितने से उसका भरण पोषण हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम संसार की वस्तुओं के केवल संरक्षक हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, परंतु तुम्हारी नहीं हो सकती। ये जो वस्तुएं हैं वे तुम्हारी नहीं हैं। जैसे सारी प्रजा भगवान की है वैसे ही सब की सब वस्तुएं भी भगवान की। इस श्लोक में महर्षि कहा करते थे, अलग से इस श्लोक की व्याख्या भी महर्षि करते थे किसी प्रसंग में, कि देखिए नारद जी ने क्या अद्भुत बात कही है, जितने से हमारा भरण पोषण होता है ना उतने पर ही हमारा अधिकार है। बहुत क्रांतिकारी श्लोक है। क्यों, महर्षि ने आगे स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वस्तु तो लगता है कि हमारी अधिकार की है, हमने कमाया है सब है ना, सिर्फ हमारा पेट भरे उतने ही पर ही हमारा अधिकार है, ऐसे कैसे बात बनेगी। तो उसको समझा दिया, मनुष्य का संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितने से उसका भरण पोषण हो जाए, बस उसके अतिरिक्त जो संपत्ति है। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम संसार की वस्तुओं के केवल संरक्षक हो सकते हो। ये जो हम अपना स्वामित्व मानते हैं उसी के कारण अपना ममत्व है और उसी के कारण आसक्ति है, मोह है। तो यो जो मोह को काटने का उपाय क्या है कि हम इसके सिर्फ संरक्षक हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं।
मालिक तो जितना हमारे पेट में गया बस उतने के ही हम मालिक हैं, पर बाकी का जो हमारा कमाया हुआ है वो बोले उसके हम संरक्षक हैं, हम मालिक नहीं। तुम सेवक हो सकते हो परंतु तुम्हारी ये नहीं हो सकते। ये बिल्कुल यानी स्पष्ट जब व्यक्ति को ये ज्ञान रहेगा तब जाके ये जो उसका प्रश्न है कि महात्माओं की मस्ती कैसे मिल सकती है ना, वो बात बनेगी, नहीं तो नहीं बननी, संभव ही नहीं। तुम्हारी भी नहीं हो सकती, जैसे सारी प्रजा भगवान की है वैसे ही सब की सब वस्तुएं भी भगवान की है। तो ये ऊपर वाला श्लोक दखलंदाजी न करें और जितने से हमारा पेट भरता है उतने पर ही हमारा अधिकार है, किसके लिए कह रहे हैं? उस गृहस्थ के लिए जो कि महात्माओं की मस्ती चाह रहा है। तो बाकी चीज़ें जो हमारी है उसके लिए क्या करें, हम उसके संरक्षक हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। अब मैंने बताया कि बहुत सारे श्लोक उन्होंने कहे, तो एक तीन श्लोकों पर महाराज से विशेष जोर देते थे, दो की चर्चा हो चुकी है और तीसरा ये उसका भाव दे रहे श्लोक का, अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है। इस श्लोक के प्रति महर्षि कहते थे कि ये और कठिन, पत्नी को सेवा में लगा दी, संत आए हैं उनका भोजन बना रहे हैं, है ना, पत्नी सब उनकी सब प्रकार से जो भी संतों की सेवा होती है, तो संतों की सेवा में लगा देना। परम पूज्य महाराज श्री डॉक्टर जेठी की प्रशंसा करते थे, शर्मा जी जानते हैं डॉक्टर जेठी को, मतलब अब उनका शरीर नहीं रहा, वो कहते थे स्पष्ट रूप से उसको, किसको, उनकी पत्नी को, कि तुम्हारे जो पति हैं वो देवता है, कोई भी पति अपनी पत्नी को इस प्रकार संतों की सेवा में नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर जेठी क्या करते थे, महाराज सिंह जब वृंदावन रहते थे तो वो जो सतीश बाला जेठी हैं उनको यहाँ वृंदावन जितने दिन महाराज सिंह रहेंगे वो यहीं रहती थी, स्वयं शनिवार रविवार को आते थे, डॉक्टर अलमस्त भी आते थे, पर बाकी समय जो पत्नी है वहाँ दिल्ली में नहीं है, पत्नी महर्षि की सेवा में, यहाँ सब प्रकार से महर्षि की लिखने की सेवा, महर्षि के मतलब किचन में पूरा का पूरा वो संभालती थी। अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, महर्षि पत्नी की उतनी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते थे जितना कि पतिदेव की, ये तुम्हारे पतिदेव देवता है, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है। हे युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा विष्ठा अथवा भस्म होने वाला है। अब इतनी बातें तो सब सुना दी, अब शरीर को लेके जो अहमता है, ममता है, बाहर की चीज़ों में अहमता नहीं है, अहमता होती है पुत्र में, है ना, पत्नी में, पर वो उसको गौण आत्मा कहते हैं, गौण आत्मा यानी मानो उनको कुछ हो गया तो मुझे ही हो गया, तो वो बात अलग है, बाकी ममता रहती है, और शरीर में अहमता भी है ममता भी है, तो शरीर को फिर कैसे क्या करें, क्योंकि यही तो महात्माओं की मस्ती के लेने में रोड़ा है, प्रतिबंध है, तो उसके ऊपर भी संकेत कर रहे हैं। इसको कहते हैं सांगोपांग उत्तर, कोई भी प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर जो महापुरुष लोग देंगे उसमें आप देखेंगे कि कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। इस बार पूरी शंकराचार्य जी सुना रहे थे सुबह के प्रवचन में कि पांचवें अध्याय के शुरू में अर्जुन का प्रश्न तो बहुत संक्षेप में है पर भगवान उसका विस्तार में उत्तर दे रहे हैं, क्यों,
क्योंकि उस प्रश्न से और भी जो प्रासंगिक जो अन्य अन्य बातें जुड़ी हुई हैं उनको भी लेकर भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ मोटा मोटी तो सब बता दिया, पर अब जो सबसे बाधक जो है वो क्या है, अपना शरीर। उसके बारे में कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा विष्ठा अथवा भस्म होने वाला है। यह शरीर अत्यंत तुच्छ है, फिर कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना, कहाँ पत्नी को अपना मानना और कहाँ अपना अनंत आत्मा। वह आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है, यानी आकाश सूक्ष्म से सूक्ष्म है पांचों महाभूतों में और व्यापक है, और आत्मा जो है आकाश आत्मा से उत्पन्न होता है, यानी आत्मा जो है वो आकाश से भी बड़ा है। उसी को बता रहे हैं कि ये तुच्छ शरीर यानी पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर जिसके प्रति हमारा इतना मोह है, उसका तो अंतिम परिणाम क्या होने वाला है वो बता दिया। दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि इसको जो हम इतना महत्व दिए हुए हैं वो गलत है। क्यों गलत है, सुनो, यह शरीर अत्यंत तुच्छ है, फिर कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना, है ना। जो चीज़ अभी बताया ना कि थोड़े दिनों पहले कि भगवान का इतना महान कर्तृत्व है, यानी इतने नक्षत्र और सूर्य और चंद्रमा और क्या क्या, और उसको एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड हर क्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उनका पालन हो रहा है, उनका संहार हो रहा है ना। ऐसे जो भगवान हैं उसके सामने हम अपने को देखें तो है ही नहीं, नगण्य है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो बताते हैं कि इतने बड़े बड़े ग्रह हैं कि उस ग्रह को हम कल्पना करें कि एक बड़ा फुटबॉल का मैदान है वो ग्रह का फल क्षेत्र, तो हमारी पृथ्वी जो है वो उस फुटबॉल के मैदान में जो धूल के कण हैं उसके एक कण के बराबर नहीं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रह इसी जिसमें हम लोग बैठे हैं, है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में ऐसे ऐसे बड़े बड़े ग्रह हैं, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है उनका फल क्षेत्र, उसको हम कहें कि ये फुटबॉल का मैदान जितना ये ग्रह का फल क्षेत्र है, तो उसमें फिर उन्होंने पता लगाया कि भाई पृथ्वी उसमें कितनी बड़ी है, तो पृथ्वी एक कण के बराबर है। और उसी पृथ्वी पर आप देखिए वो गोलाकार ग्लोब बनाते हैं, अपने पुस्तकालय में रखा है, उसमें पूरा का पूरा विश्व दिखाया है। तो उस पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी पर भारत कितना सा है, उस भारत में, है ना, फिर आप देखो कि वृंदावन, फिर वृंदावन में गोपालगढ़, गोपालगढ़ में जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं या आप लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, अरे जब पृथ्वी एक कण के बराबर है तो उस पृथ्वी में हमारा तो अस्तित्व ही नहीं है, इतनी तुच्छता तो हमारे शरीर की है, और हमारा अभिमान देखिए। तो इसलिए कह रहे हैं, नारद जी को कहना पड़ रहा है कि ये हे युधिष्ठिर, इस शरीर का अंतिम परिणाम क्या होने वाला है तुम जानते हो, और ये शरीर अत्यंत तुच्छ है, फिर कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना। हर व्यक्ति उस शरीर में रम रहा है ना, कहाँ पत्नी को अपना मानना और कहाँ अपना अनंत आत्मा। तो वो जो दत्तात्रेय, अवधूत दत्तात्रेय जी की जो मस्ती है, तो उनको तो वो ज्ञान है, और उस ज्ञान के संपादन करने के लिए कितनी क्या साधना करनी पड़ेगी, है ना। वह आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है, वो हमारा स्वरूप है, वो मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। हे युधिष्ठिर, गृहस्थ को चाहिए कि पहले यज्ञ करे, लोगों को खिलाए और फिर खुद खाए। खाने के बाद जो घर में बचा रहता है उसको अपना नहीं समझो। ऐसा करने पर घर गृहस्थी में रहते हुए भी
जो पदवी अवधूतों को मिलती है, यानी जो आनंद अवधूतों का है वो मिल जाता है। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय राम।